हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। ये फ्रेंड्स आरपीएम फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है जो मोस्टली कारों में आ जाती है। फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम मेरी कार में आ चुकी है तो आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे होती है। तो आप अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरी कार के आरपीएम जो हैं फ्लक्चुएट कर रहे हैं 1 और 2 के बीच में। आप देख सकते हैं मैंने पैडल पे पैर नहीं रख रखा। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम थ्रॉटल बॉडी की होती है तो अभी हम उसको खोल के देखेंगे। पहले आप देख लीजिए कैसे आरपीएम फ्लक्चुएट कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको कार के बाहर जाके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इंजन की आवाज़ सुन सकते हैं, आरपीएम फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये बार बार कम ज़्यादा हो रही है। तो फ्रेंड्स आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे घर पर ही और मैं आपको दिखाऊँगा कि इस प्रॉब्लम को हम घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको फ़िल्टर कवर निकालना है, फ़िल्टर निकालना है थ्रॉटल बॉडी खोलने के लिए। तो मैं जल्दी से फ़िल्टर निकाल देता हूँ इसका। तो फ्रेंड्स फ़िल्टर कवर निकलने के बाद हम इस पाइप को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं ये क्लिप खोल लेता हूँ और इसका जो एयर फ्लो वाला सेंसर है वो निकाल के फिर इस पूरे पाइप को निकाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स एयर फिल्टर निकालने के बाद आपको थ्रॉटल बॉडी का ये सॉकेट निकाल देना है। अब फ्रेंड्स हमको थ्रॉटल बॉडी खोलनी है तो मैं जल्दी से उसको खोल लेता हूँ। आपको 4 उसमें नट्स मिलेंगे वो खोलने पड़ेंगे 10 mm के, तो मैं जल्दी से उनको खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स चारों नट खुलने के बाद हमको थ्रॉटल बॉडी को ऊपर उठा लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थ्रॉटल बॉडी निकल चुकी है और ये फ्रेंड्स पाइप प्लास्टिक का होता है तो आप ये ना सोचें ये बहुत काला हो रहा है, गंदा हो रहा है, ये साफ़ है एकदम। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ थ्रॉटल बॉडी, जो आप देख सकते हैं इसकी प्लेट जो है वो साइड से गंदी हो रही है। तो फ्रेंड्स हम इस साइड से इसको साफ़ कर लेंगे। फ्रेंड्स जो साइड में ये कार्बन इसमें डिपॉजिट हो जाता है उसी की वजह से ये प्लेट ठीक से क्लोज़ नहीं हो पाती है और ना ही खुल पाती है, इसीलिए इसमें फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेंड्स हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे पहले। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थ्रॉटल बॉडी एकदम साफ़ हो चुकी है, ये दोनों साइड से हमने प्रॉपरली साफ़ कर दी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी प्लेट बिल्कुल साफ़ हो गई है और साइड से भी एकदम साफ़ है। तो अब फ्रेंड्स हम इसको जल्दी से लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स थ्रॉटल बॉडी हमने वापस से लगा दी है, अब इसके सॉकेट को भी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा थ्रॉटल बॉडी का काम ख़त्म हो चुका है, अब हम इसके इंजेक्टर्स को क्लीन कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, इंजेक्टर खोलने के लिए सबसे पहले हम इनके तीनों सॉकेट्स को निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये सॉकेट, तीन सॉकेट आपको दिखेंगे, इन तीनों को आप निकाल दीजिए। अब फ्रेंड्स, आपको दो 12 mm के नट्स खोलने हैं जो हेड के ऊपर ही लगे रहते हैं इंजेक्टर के लिए। तो मैं जल्दी से उन दोनों नट्स को खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, दोनों नट निकालने के बाद आपको ये सिंपली ऊपर की साइड खींच लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़े टाइट लगे रहते हैं तो इनको आराम से आप उठा लीजिए। तो फ्रेंड्स, इंजेक्टर्स हमने बाहर खींच लिए हैं, आप देख सकते हो ये कितना गंदा हो रहा है। और फ्रेंड्स, बीच वाला हम साफ़ कर रहे हैं और एक साइड में लग ही रहा है अभी। तो मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको कैसा होता है इंजेक्टर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह का होता है। और फ्रेंड्स, इसकी जो टिप होती है उस पर 4 होल होते हैं, माइनर होल होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं तब भी दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम इनको जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तीनों इंजेक्टर क्लीन कर लिए हैं, आप देख सकते हो दो मैंने लगा रखे हैं, एक मेरे हाथ में। तो फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से क्लीन करना है, इसके क्लीनिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। आप कोई भी क्लीनर यूज़ कर सकते हैं या फिर पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। तो आपको लाइन से अच्छे से इनको साफ़ करके लगा देना है। तो फ्रेंड्स, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे ये इंसर्ट होंगे ये तीनों हेड में, जो ये होल आपको दिख रहे हैं, इनको भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। और आपको ध्यान रहे कि इन होल के अंदर कोई भी पार्टिकल्स ना जाएं, वरना ये दिक्कत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इनको अच्छे से साफ़ करके और इनको इंसर्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आप इसको लगाएं तो आप इसकी ओरिंग्स पे ऑयल ज़रूर लगाएं, जिससे कि ये आराम से बैठ जाए और अच्छे से लग जाए, वरना इसकी ओरिंग ख़राब होगी तो दिक्कत हो जाएगी लीकेज की। तो फ्रेंड्स, ऑयल का यूज़ ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, हमको इंजेक्टर की आगे वाली ओरिंग्स पे भी प्रॉपर ऑयलिंग करनी है। उन पे अच्छे से आप ऑयल लगा दें, फ्रेश ऑयल, और फिर उनको इंसर्ट करें, वो अच्छे से बैठ जाएंगे। और फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हम इनके दोनों नट्स को लगा करके और फ्रेंड्स ऊपर एयर फिल्टर का कवर ववर लगा के पूरा पैक कर देते हैं। फिर मैं कार को स्टार्ट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स फिर आपको आगे क्या प्रोसेस करना है। तो मैं जल्दी से वीडियो को स्किप। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारा सिस्टम वापस से लगा दिया है, एयर फिल्टर वगैरह सब। तो फ्रेंड्स, ये OBD2 स्कैनर है, ये फ्रेंड्स मैंने अभी मंगाया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मंगाना है, ये अमेज़ोन से आपको मिल जाएगा, 300 रुपये का आएगा करीब ये। तो इससे फ्रेंड्स हम थ्रॉटल बॉडी को कैलिब्रेट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, कैलिब्रेशन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमको डैशबोर्ड के नीचे देखना है, तो आपको ये डिवाइस यहाँ पे लगाना है, इस वाले वाइट वाले कपलर में। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये लग चुका है, इसमें रेड लाइट भी ग्लो कर रही है। अब हमको फ्रेंड्स कार का इग्निशन ऑन करना है। तो फ्रेंड्स, हमको इग्निशन ऑन करने के बाद
कार को ऐसे ही छोड़ देना है। ध्यान रहे कार को स्टार्ट नहीं करना है, बस इग्निशन को ऑन करना है। और फिर फ्रेंड्स हम अपने फ़ोन से डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपना ब्लूटूथ ऑन करना है, फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अवेलेबल डिवाइस में OBD2 दिखेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप 1234 डाल दीजिए पेयरिंग कोड। तो फ्रेंड्स हमारा डिवाइस पेयर्ड हो चुका है, इसको डन कर देंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम प्ले स्टोर खोलेंगे, आप उनको फोन नंबर पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये सेटिंग वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे फॉल्ट कोड्स लिखा है सबसे ऊपर, इसको देखना है। और यहाँ पे सो लॉग्ड फॉल्ट्स लिखा है, वहाँ पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आपको मिलेगा फॉल्ट कोड P0123, ये थ्रॉटल पैडल पोजीशन सेंसर का एरर है। तो फ्रेंड्स इसको क्लियर कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स हमको फिर से सेटिंग पे जाना है, फिर फॉल्ट कोड पे क्लिक करना है। फॉल्ट कोड्स के बाद क्लियर लॉक फॉल्ट्स पे जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर हमको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही हम क्लिक कर देंगे हमारे सारे फॉल्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ये करीब 5 से 10 सेकंड लगेगी इसमें। तो फ्रेंड्स ऐसे करके हमको फॉल्ट्स को क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स कार को हम स्टार्ट करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स RPM अब फ्लक्चुएशन नहीं कर रहे हैं, ये 1000 पे स्टिक हो गए। तो फ्रेंड्स हम इस तरह अपनी कार को ठीक कर सकते हैं। आप चाहें तो इंजेक्टर क्लीनिंग वाला प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, आप टोटल बॉडी को क्लीन करके कैलिब्रेट करके कार को ठीक कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आप पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहता हूँ। और फ्रेंड्स आपको कोई डाउट बनता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए इसके RPM 1000 पे ही स्टिक हो गए हैं और कार बिल्कुल ठीक हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।